खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे हम एज वीमेन आई थिंक वी ऑलवेज वॉन्ट के हम इंस्पिरेशनल रहें, हम यू नो हम माएँ हैं, हम बिजनेस वीमेन हैं. आज वीमेन आई थिंक हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड एंड देयर इज नथिंग दे डोंट डू, फ्रॉम लैंडिंग ऑन द मून टू एवरीथिंग. आई एम वेटिंग फॉर द न्यू मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर टू बी अ वुमन. एंड यस, एंड इंस्पिरेशनल शी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. वो लोग विमेन के हेल्थ के बारे में, विमेन की फिटनेस के बारे में, विमेन की अचीवमेंट्स को सराहते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं. तो अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा अवार्ड्स आर रूल्ड बाय मेल एंड यू नो मोस्टली. सो नाउ इवन इन द मूवीज इन बॉलीवुड एवरीवेयर देयर आर विमेन हु आर सिनेमेटोग्राफर्स, हु आर डायरेक्टर्स, एंड इन ऑल फील्ड्स दे आर जस्ट लाइक टेकिंग ओवर एंड इट्स ब्रिलियंट. व्हाट इज योर फिटनेस मंत्रा? For me, honestly, I think, I'm very proud and very happy that I'm 40 plus and I'm getting the fitness icon of the year. And mera actually mantra bahut simple hai, healthy mind is a healthy body. Aap positive rahenge, aap khush rahenge, aap apne self image ko ज़रूरी नहीं है ज़ीरो साइज़ होना. मैं ज़ीरो साइज़ की नहीं हूँ. व्हेन आई वाज 20 आई वाज 8 किलोज़ लेस देन व्हाट आई एम टुडे. बट मैं नहीं चाहती उस वेट का होना, इतना ज़्यादा पतला होना. मैं बहुत खुश हूँ जैसी मैं हूँ. मैं आई ट्राई थोड़ा हेल्दी खाने का, बट आई डोंट, जब मन होता है पानी पूरी खाने का तो मैं रिजिस्ट नहीं करती हूँ. एंड आई ट्राई टू गो टू द जिम 3 बार हफ्ते में. कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 बार हफ्ते में थोड़ा एक्सरसाइज रहे, तो वो बॉडी और माइंड को और भी एक्टिव रखता है. बट अदरवाइज आई बिलीव हेल्दी माइंड, हैप्पी माइंड इज ऑलवेज अ हैप्पियर, हेल्दियर बॉडी. आजकल स्ट्रेस और स्ट्रेन और मतलब नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है हर फील्ड में. मैं स्ट्रेस नहीं लेती. इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं, और देखा जाए तो अभी लड़कियां जिस तरीके से आगे आ रही हैं एंड ऑल द फील्ड्स, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल. सो एक पुरस्कार या एक पहचान पत्र कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ये और हौसला देती है औरतों को कि वो और आगे बढ़े, वो और अच्छा काम करे, जो वो कर रही है वो और अच्छे से करे. सो दिस लिटिल पैट ऑन द बैक इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड कि तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू रिकग्नाइज द टैलेंट, ऑल द टैलेंटेड वीमेन इन इंडिया, एंड फेलिसिटेट देम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव. Are you getting an award or
जी मुझे तो पता नहीं अवार्ड मिलने से क्या पहले से पता देते बता देते हैं और तब भी आप आते हैं नहीं आई हैव जस्ट कम हियर टू अटेंड द इवेंट एंड लेट मी सी इफ वॉट एवर हैपन्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू आई थिंक मैं अभी मतलब 10 मिनट पहले मैं मिली सोनाली बेंद्रे जी को और मैं उनको मिल के मैं बोल के आई कि यू आर अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू मी नॉट ओनली टू मी बट मैनी पीपल मैनी वीमेन एंड मैन आउट देयर बिकॉज एवरीथिंग इन योर लाइफ वॉट एवर यू डू इज एन इंस्पिरेशन आई मीन अगर जो भी आप कर रहे हैं मन से करें वो आपकी सर्वाइवल स्टोरी ही क्यों ना हो वो भी अगर आप डट के करें मतलब आपने बीमारी का सामना ऐसे डट के किया कि आप 10 लोगों को इंस्पायर कर सके कि कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती आई मीन इवन इफ इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड आई थिंक या शी हैज़ बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी ये औरतों को बढ़ावा दे रही है हर जगह बोला जाता है कि औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट फाइनली वी हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वुमेन आर एनकरेजिंग ईच अदर एंड औरतों ने हमेशा हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है सो इट्स ग्रेट दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस एज अ वुमन कौन इंस्पायर करता है I think I don't really see human beings in gender specific roles. I see people inspiring each other on an everyday basis. For me, I have inspiration in so many women. I think even in my maid, meri Meena Tai jo mere ghar pe aake kaam karti hai, wo itna kuch karti hai apni family ke liye. And I don't think I do 1/10 of what she does for the family. So I think we can find inspiration in all the women in our lives. Okay, besides that, we are talking about women empowerment. So, in one word, what is women empowerment for you? Women empowerment, I think for me, with time has changed into self-confidence. I think it's time that we stop looking for strength and confidence from outside of ourselves. अपने अंदर झांक लो वो confidence वो ताकत आपको खुद मिल जाएगी. So I think it's all about self-confidence now. I think it's actually a very happy day for me today because all the news I've got today all day have been fantastic and to be a fascinating face is actually as a woman it boosts your confidence. It makes you happy. It makes you feel like all your hard work, all your sweat, all your tears and all your joy, all your failures and success has at least come to something that people believe that a face like mine is entertaining and fascinating enough to be looked at. And I am in an industry which is about entertaining and which is about being called beautiful, right? Everybody expects a woman to be beautiful. But I think more than that, I think my personality has come out more than the beauty of my face. So this award is actually to all the people who've actually worked hard on me, pushed my boundaries and said, ki aap ye nahi kar sakte ho. But I've probably broken those barriers and said, I don't care, I'm still going to do it. And aspiring she, aap jaise naam par sakte hain, is for women who are actually aspiring, inspiring and are actually breaking barriers and boundaries to be where they are. Nahin, aaj sirf main hi nahin, jitne bhi aaj humare guests aaye hain, jinne award jeete hain, I think they all are remarkable in their own field. And as an actor, I think it's actually makes me feel very happy and very, very joyous. And I thank everybody who's been here today to make me feel like I'm the fascinating face of the year. So thank you.